क्रिकेट तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं ऋतिक और मेरा नाम है आदित्य। आज हम दोनों बात करेंगे कि आने वाले वर्ल्ड कप में और ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका सीरीज में कौन से ओपनर को रोहित शर्मा के साथ मौका मिलना चाहिए। मेरे हिसाब से दो ऑप्शन है हमारे पास, एक शिखर धवन और एक केएल राहुल। आप किसके साथ जाना चाहोगे? मेरे हिसाब से तो केएल राहुल बेस्ट होंगे क्योंकि हालिया फॉर्म उनका बेशक खराब रहा है, इतना अच्छा नहीं रहा, लेकिन इंजरी के बाद सभी प्लेयरों के साथ ऐसा होता रहता है। तो मेरे हिसाब से केएल राहुल बेस्ट होंगे क्योंकि उनका स्ट्राइक रेट भी सही है और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हालांकि उनका अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा है, लेकिन आईपीएल में भी उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो इस बेसिस पे केएल राहुल मेरे हिसाब से। मेरे हिसाब से हमें शिखर धवन के साथ जाना चाहिए क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया के पिचेस पर उनका रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा है, तो ये इंडियन टीम के लिए बहुत अच्छे संकेत है। अगर हम शिखर धवन को मौका देंगे तो ये इंडियन टीम के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्मेंस करने की। वो बात सही है, शिखर धवन को मौका जरूर मिलेगा लेकिन T20 में उनका मौका नहीं बन रहा है क्योंकि अगर उनका स्ट्राइक रेट की बात करें कैरियर की भी और आईपीएल की भी, तो उनका स्ट्राइक रेट 130 से नीचे ही रहा है, तो 130 के नीचे इतना इफेक्टिव नहीं माना जाता। अगर आप 40 बॉल में 50 करते हैं तो इतना इफेक्टिव नहीं है, और राहुल का कैरियर स्ट्राइक रेट 140 है, तो 140 प्लस है। तो इस हिसाब से अगर वो 30 बॉल में 50 कर रहे हैं और धवन 40 बॉल में 50 कर रहे हैं तो इस हिसाब से तो धवन का पत्ता कटता नजर आ रहा है, हालांकि उनको ओडीआई में मौका मिलना चाहिए, ये मैं सहमत हूँ। मैं आपकी इस बात से थोड़ा सा सहमत हूँ पर मैं ये भी कहना चाहूँगा कि पिचेस पर डिपेंड करता है कि कितनी बॉल पे कितने रन लग रहे हैं। अगर पिचेस खेलने लायक नहीं है, अगर ज़्यादा बॉल में थोड़े 50 मार रहे हैं शिखर धवन, तो ये भी मेरे हिसाब से अच्छे संकेत है। नहीं तो आप ये देखिए ना, हालिया फॉर्म में पिछले सालों में या फिर 2-3 सालों में केएल राहुल वर्ल्ड के नंबर वन बैट्समैन भी थे और उन्होंने 2 सेंचुरीज और काफ़ी सारी 50s भी लगाई, लेकिन उतने ही मौके जब धवन को मिले तो धवन ने हालांकि सेंचुरी स्कोर नहीं करी, उसकी कोई मैटर वाली बात नहीं है, लेकिन उन्होंने कोई मैच जिताऊ इनिंग्स भी नहीं खेली और इतने 50s भी नहीं लगाए। अगर आप परफॉर्मेंस की बात कर रहे हो तो मैं आपको बताना चाहूँगा जिम्बाब्वे के दौरे पर बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस था शिखर धवन का, वहाँ पर केएल राहुल ने थोड़ा वहाँ पर अच्छा प्रदर्शन नहीं दिया था, तो प्लेयर्स के प्रदर्शन महत्व करते हैं इंडियन टीम के लिए कि कौन ओपनिंग करेगा। और एशिया कप में भी केएल राहुल ने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया है T20 में, लेकिन फिर भी मेरे ओपिनियन में तो केएल राहुल ही होने चाहिए क्योंकि आईपीएल और कैरियर स्ट्राइक रेट की वजह से मैं राहुल के साथ जाना चाहूँगा और ऋतिक भाई जाएंगे शिखर धवन के साथ। मैं जाऊँगा शिखर धवन के साथ, आप किसके साथ जाना चाहेंगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं क्रिकेट तक की अगली वीडियो में। धन्यवाद।